गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ये वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है। तो आज मैं आपको यही 5 टॉपिक्स के बारे में आपको आज बताऊंगा जो कि स्टार्ट होंगे आपके टेक्नोलॉजी से और एंड होंगे आपके हेल्थ से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी टैप कर देना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। तो स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आज के डेट में हर इंसान के हाथ में होता ही है। तो ये स्मार्टफोन आज के इस जनरेशन में हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो हमें इस स्मार्टफोन को यूज़ कैसे करना चाहिए, कैसे इसको खरीदना चाहिए, कैसे हमें इसके बारे में पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो इसी चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो पहले बता दूं कि अगर आप स्मार्टफोन अगर आपको ख़रीदना है तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है अभी जो एक सॉफ्टवेयर पर रन करता है जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको आपको समझना बस। जब भी आप एक फ़ोन ख़रीदते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक एंड्रॉयड वर्जन आपको साथ में मिलता है जो उसको ऑपरेट करता है। उसमें जितने भी सारे एप्लीकेशन है जो भी वो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो रन कराता है। तो जैसे कि आप लोगों को एक कॉमन सा चीज़ बता दूँ कि आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड का वर्जन होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बताओ तो नोबट ओरियो या फिर और बहुत सारे अभी आ चुके हैं, तो ऐसे कुछ कुछ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसके जो वर्जन हैं काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं रेगुलरली। आपको बताओ कि उसमें होता क्या है, जब भी आप कोई फ़ोन ख़रीदते हो तो उसमें कोई एक एंड्रॉयड वर्जन रहेगा, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा जब तक उसका कंपनी को अपडेट नहीं देता। अगर अपडेट उस फ़ोन में नहीं आता तो 1-2 साल के बाद आपका फ़ोन में कैसा भी प्रोसेसर रहे वो एक टाइम के बाद स्लो हो ही जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हम तो अपना ऐप वगैरह जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं फ़ोन में वो तो अपडेट हो जाता है क्योंकि वो प्ले स्टोर वगैरह से अपडेट हो जाता है, उसको काफ़ी इजीली हम लोग अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसके थ्रू ही उस ऐप को हम रन कराएंगे। अगर वो ही अपडेट नहीं होगा तो हमारा कैसा भी फ़ोन रहे, हमारा कितना भी अच्छा प्रोसेसर रहे, वो काम नहीं करने वाला। तो आपको बताना चाहूँगा कि सैमसंग एक ऐसा फ़ोन है जिसका लगातार उसका अपडेट आता ही रहता है। बाकी जो ब्रांड्स के बात करो तो उनमें देखा गया है नॉर्मली कि उन अपडेट्स बहुत टाइम में आते हैं और जो भी फ़ोन आप खरीदोगे वो एक टाइम के बाद स्लो होने लगेगा और इसी रीज़न के कारण हमको 1-2 साल के बाद अपना फ़ोन चेंज करना पड़ता है। तो आपको बताऊँगा कि आप जो भी फ़ोन खरीदोगे तो उसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रोसेसर, रैम और इंटरनल स्टोरेज। ये तीनों चीज़ आपके बेस्ट रहेंगे तो आपका फ़ोन कैसा भी रहे, किसी भी कंपनी का रहे, वो बहुत अच्छा चलेगा और उसका लाइफ लॉन्ग बैटरी भी चलेगा अच्छा। अब बात करते हैं बैटरी की कि हम उसका बैकअप को, उसकी लाइफ को कैसे ग्रो करा सकते हैं या फिर उसको बेटर कैसे रख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज करते हैं और 50-60% के बाद भी 100% चार्ज कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इससे होता क्या है, एक्स्ट्रा जो भी उसमें चार्ज हम लोग स्टोर करते हैं वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए आपको करना क्या है, हर हफ्ते 100% तक चार्ज करें और उसको एक बार 0% तक फ़ोन को यूज़ करें। तो इससे होगा क्या, जो भी आप चार्ज उसमें फ़ोन के बैटरी में जो चार्ज आप करोगे वो एक साइकिल कंप्लीट कर देगा और वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका जो बैटरी लाइफ है वो बेटर हो जाएगा क्योंकि उसको चार्ज का साइकिल रेगुलरली कंप्लीट होता रहेगा। इससे आपका बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड फैक्ट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग आज के डेट में YouTube को एक अपना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मान चुके हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छी है और उसमें लाइफ अच्छी है, आपका बिजनेस लाइफ बहुत अच्छा है। क्योंकि लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप YouTube पे आते हो एज अ बिगनर, आपको कभी भी उसमें उसके रेस में कॉम्पिटिशन नहीं करना है। मतलब कि आप जैसे बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उन लोग को आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कितने पहले से स्टार्ट किए थे, उनका कंटेंट क्या था, इसलिए वो आज के डेट में इतना ऊपर हैं। और हम लोग अगर जब भी स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर
अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें कभी भी अपने रिजल्ट को नहीं देखना है, हमारे जो जर्नी है उसको फील करना है, उसको जीना है अच्छे से, उसको बेटर बनाना है और अपने हर एक वीडियो के बाद अपने मिस्टेक्स को देख के उसको सुधार लाना है। तो ऐसे ही करके हम अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उसमें अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कोई बिगिनर है, यूट्यूब को एक बिजनेस के रूप में सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर वो आता है तो डेफिनेटली उसका ग्रोथ बहुत कम होगा या फिर हो ही ना। लेकिन अगर आपको बताऊँ, यूट्यूब को अगर आप एक प्लेटफॉर्म के रूप में अगर यूज़ करोगे तो आपका ग्रोथ होना निश्चित है, आप उसमें ग्रोथ ज़रूर करोगे। लेकिन अगर आप पैसे के लिए जाओगे तो आपको ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब आज के डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब में हर तीसरा बंदा आज एक वीडियो डाल सकता है। तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया है जिसके बारे में आप लोग बहुत लोग जानते हैं। जियो के आने के बाद यूट्यूब का जो यूजेस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को बिना किसी के हेल्प से खुद से सेल्फ डिपेंडेंट रह के अपने आप को ग्रो कर सकते हो और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपना ग्रोथ कर सकते हो। तो यूट्यूब पे एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करें एज अ बिजनेस, बाद में तो आपको पैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब से रिलेटेड आपको मोटिवेशन के बारे में अगर बताऊं तो मोटिवेशन तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन मेन मोटिवेशन जो रहता है वो आपके अंदर ही रहता है, कि आपके अंदर पेशेंस और पोटेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम में लगे हुए हो और उसमें आप रिजल्ट्स के पीछे जा रहे हो कि मेरे वीडियो में व्यू नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो इसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप अपने वर्क पे जाते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है, मेरे लाइक्स एक दिन बढ़ेंगे ही, तो इस चीज़ को अगर आप अपना मोटो बना के चलो तो एक दिन आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इसलिए प्लीज़ उसके रिजल्ट्स पे ना जाएं, अपने कंटेंट्स पे ग्रोथ करें, अपने ना कि उससे जो इनकम है उसके ऊपर फोकस नहीं रखना है आपको ज़्यादा। वो तो बाद में, वो एक प्रोसीजर है जिसका जो छोटा अमाउंट जो आपको मिलता है मेहनत का वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको जो मेन जो फोकस रहना चाहिए वो आपके कंटेंट पे और आपके मेहनत पे होना चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जैसे कि वो हमेशा आपको मेजर करेगा कि आपका जो वीडियो डालने का जो रेट है वो कितना है, कि आप हर हफ्ते वीडियो डाल रहे हो, कि हर महीने डाल रहे हो, कि दो तीन महीने में एक बार डाल रहे हो। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ क्योंकि मेरे को 3 साल हो चुका है यूट्यूब पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो स्टार्ट किया था 2017 में, तब मैं डालता था 2-3 महीने में एक वीडियो डालता था। उस टाइम मेरा सब्सक्राइबर रेट था कम से कम 10-20, या मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आप लोग देख लेना, ऐसे 10-20 ही सब्सक्राइबर बढ़ते थे एक महीने में। लेकिन अभी का जो ग्रोथ है वो कम से कम 100+ है एक महीने में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उस समय भी मेहनत करता था, इस समय भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर किया हूँ, लेकिन उस समय और इस समय में ये डिफरेंस है कि उस समय मैं कंसिस्टेंट नहीं था अपने वीडियो में और अभी कंसिस्टेंट हूँ। उस समय 2-3 महीने में वीडियो डालता था और अभी मैं हर हफ्ते वीडियो डालता हूँ। तो यही चीज़ है जो यूट्यूब देखता है आपके में, कि आप उस पर वर्क कैसा कर रहे हो और लोगों को कैसा प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये है यूट्यूब का। और आपको जो नेक्स्ट फैक्ट है उसमें आपको बताऊँगा कि यूट्यूब को आप अगर बिगनर हो तो कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने थर्ड फैक्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एज अ बिगनर आप यूट्यूब पे कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वीडियोस में कंसिस्टेंट रहें, उसमें ज़्यादा गैप ना दे, ज़्यादा डिले ना दे। जैसे कि आप कोई वीडियो डाल रहे हो, एक हफ्ते में अगर वीडियो डाल रहे हो तो अगला वीडियो एक हफ्ते के बाद ही डालो, या फिर एक महीने के बाद डाल रहे हो तो एक महीने के बाद ही डालो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि हर हफ्ते वीडियो डालोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो जल्दी होगा और आपको सीखने को जल्दी मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस या आपका प्रेजेंटेशन जल्दी ग्रो करेगा। तो पहला चीज़ ये है। दूसरा, आपको थंबनेल पे काम करना है। थंबनेल बहुत अच्छा चीज़ है। थंबनेल एक ऐसा चीज़ है जो आपके वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का या फिर लाइक बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जैसा कि आप खुद YouTube यूज़ करते हो, जब भी आप स्क्रॉल डाउन करोगे YouTube पे, आपको जो थंबनेल, जो वीडियो आपको देखना भी नहीं है लेकिन उसका थंबनेल इतना अच्छा बना हुआ है कि आप उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हो। तो ये होता है थंबनेल का पावर। तो आपको थंबनेल ऐसा क्रिएट करना है, आपको थंबनेल पे इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि थंबनेल ही ऐसा बने कि हर आदमी उसमें एक बार देखने पर ही क्लिक करे। तो आपको थंबनेल पे वर्क करना है। तो और तीसरा चीज़ ये बताऊँ,
कंटेंट अच्छे क्रिएट करो और कंटेंट जो है वो ट्रेंडिंग क्रिएट करो, मतलब ट्रेंडिंग में जो भी चीज़ चल रहा है अगर आप टेक्नोलॉजी पे बनाते हो तो ट्रेंडिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताओ। व्लॉग्स है तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे शॉर्ट्स लेके हफ्ते हफ्ते में अपना वीडियोस डालते रहो। आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक उतना मैटर नहीं करता, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना अच्छा होता है, उससे एक फ्लो आता है। अगर जब भी कोई ऑडियंस आपके वीडियो को वॉच करता है तो उसका जो फ्लो है, आपका जो वीडियो का जो फ्लो है वो बना रहता है, इसलिए आपका जो ऑडियंस है वो लास्ट तक अच्छे से देखते हैं। तो ये होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक का पावर। और अगर आपको एक ऑफिशियल तरीका बताओ तो अभी के डेट में बहुत अच्छा चीज़ आ चुका है, जिससे ना कि सिर्फ YouTube को बल्कि आप अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से ग्रो करा सकते हो बहुत इजीली और कुछ पैसों से ही बहुत अच्छे से और बहुत इजीली बहुत पॉपुलर कर सकते हो अपने बिजनेस को या फिर अपने YouTube अकाउंट को। उसका नाम है गूगल एड्स। ये एक ऐसा वेबसाइट बनाया गया है गूगल की तरफ से, बहुत हेल्पफुल है और बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता। इसमें आपको कुछ स्टेप्स बस लेने हैं, आपको बताना है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो कराना है कि YouTube का चैनल, इसका यह वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ 100 रुपये दे के 400 से 500 व्यूज़ गेन किए हैं, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। उसमें होता क्या है, गूगल एड्स में आप उसको कुछ रुपए देते हो, जैसे कि मैंने 100 रुपीज़ का बजट दिया उसको कि मैं इस वीडियो में सिर्फ 100 रुपीज़ खर्च करना चाहता हूँ। अगर गूगल एड की तरफ से आपको एक व्यू भी मिलता है तो आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि उस एक व्यू के कितने रुपए आप गूगल एड को देना चाहते हो। तो सबसे कम अमाउंट बताऊँ तो 0.75 रुपीज़ है जिसको आप गूगल एड को ऑफर कर सकते हो, जिसमें आपका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा और आपका चैनल जो है, जो आपका जो वीडियो है वो अच्छे से चल पाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप भी यूज़ कर सकते हो एज अ बिगनर, आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ बना दिया गया है। अगला जो फैक्ट है वो है बहुत पॉपुलर, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है COVID-19। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि साल भर से हम इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपको कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो पहला चीज़ ये बताओ कि कोविड एक ऐसा बीमारी है जो कि आपके इम्यून से रिलेटेड है, मतलब आपका जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उससे रिलेटेड है। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि अगर आपका इम्यून कम है, मतलब इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून पावर कम है या फिर किसी एवरेज पर्सन से अगर लो है तो आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो इम्यून पावर अगर अच्छा है, मतलब स्ट्रांग है, तो आपका जो अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपका रिकवर होने का चांस बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी आप रिकवर भी हो जाओगे। तो अगर ये इम्यून इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको चेक कैसे करें, तो WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एक तरीका बताया जिससे बहुत ईजिली हम अपने इम्यून सिस्टम को चेक कर सकते हैं। तो वो तरीका ये है कि अगर हम सांस अंदर खींच के जितने समय तक रोक सकते हैं वो हमारा इम्यून पावर है। WHO ने ये कहा है कि अगर आप 30 सेकेंड तक अगर रोक सकते हो तो आपका इम्यून पावर नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल इंसान के इतना ही है। बहुत ईजी है, आप अपने घर में भी चेक कर सकते हो, बस आपको एक फ़ोन में टाइमर ऑन करना है और सांस अंदर लेके कुछ सेकेंड्स तक रोक के देखना है, ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, बस उतना रोकना जितना आप उसको कंट्रोल कर सको। तो देखना अगर आपका 30 सेकेंड है या 30 सेकेंड से ऊपर है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है। लेकिन अगर 30 से कम है तो प्लीज़ आप अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करिए, वो बहुत कम है, क्योंकि 30 सेकेंड से अगर कम है तो आपका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो ये वीडियो है वो स्टार्ट होगा टेक्नोलॉजी से और एंड होगा हेल्थ से, तो लास्ट हमारा फैक्ट ये है कि हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आपको ये बता दूँ कि हमारा जो पहला घर होता है वो हमारा शरीर ही होता है, क्योंकि हम इसी के अंदर रहते हैं और हमें इसको, जैसे कि हम अपने घर को जितना साफ रखते हैं उतना ही ज़रूरी हमारे शरीर को भी साफ रखना और मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू हमारा जो लाइफ टाइम है वो डिसाइड होता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारा
जो बॉडी है वो अच्छा रहेगा, हम अपने लाइफ को ज़्यादा दिन तक जी पाएंगे। तो हमारा जो शरीर है उसको स्ट्रॉन्ग रखना या उसको हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इससे रिलेटेड एक मोटिवेशन देना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जो उसमें जिम जाएंगे या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक महीने के बाद सब बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लोग देखने लगते हैं कि हमारे शरीर में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, उनको कोई भी उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ को वो लोग देख के उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस चीज़ से हट जाते हैं कि हम अब ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप लोग में से सभी लोग लगभग जानते ही होंगे द रॉक को। द रॉक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, वो WWE में फाइटिंग भी कर चुका है, आप लोग काफ़ी सारे लोग उसको जानते होंगे, वो मूवी में भी काम कर चुका है। तो आपको उसके बारे में एक चीज़ ये बता दूँ कि वो 13 साल का था तब से वो जिम ज्वाइन कर चुका है, जब ये 13 साल का था तब से ये लेके आज तक कर रहे हैं, मतलब उसको कितना साल लगा है ये बॉडी पाने में। तो आप इससे डिसाइड कर लो कि अगर आप एक महीने में अपना रिजल्ट ढूंढोगे कि हमारा बॉडी नहीं बन रहा है या फिर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर आपके अंदर ही फॉल्ट है कि आप इतने जल्दी, आपको इतना ज़्यादा भूख है रिजल्ट का कि आप उस रिजल्ट के चक्कर में अपना जो प्रोसेस है उसको ही छोड़ दे रहे हो और अपना जो काम है उसे ही भूल जा रहे हो। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, अगर एक महीने में अगर बॉडी बन जाता तो आज के डेट में हर कोई बॉडी बिल्डर होता। इसलिए आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना जो वर्कआउट है अगर आप स्टार्ट करते हो तो एज अ लाइफ टाइम उसको वर्किंग में रखो और उसको एक लाइफस्टाइल बना लो, ताकि आपका जो फ्यूचर में आपका जो बॉडी रहेगा, आपका जो हेल्थ रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से बीतेगा और आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना जो फ्यूचर का लाइफ है, जो 30 के बाद का जो लाइफ होता है, वो आपको अपना बड़ा सा पेट लेके घूमना है कि अच्छा मस्कुलर बॉडी लेके घूमना है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपना लाइफ अच्छा बनाना है तो खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको इस फील्ड में या फिर अपने किसी भी फील्ड में अगर वर्क करना है तो एक बात ध्यान में रखना कि आपको अकेले ही उस फील्ड पे चलना पड़ेगा और अकेले ही उस फील्ड पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो सक्सेस आपको कभी नहीं मिल पाएगा, अगर मिल भी गया तो उससे आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ का रिजल्ट आपको उसी टाइम पर मिलता है जब आप उस चीज़ के काबिल हो जाते हो, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हो। किसी भी चीज़ को आप करना स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ उसको छोड़ना मत, उसको एंड तक, जब तक आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक आपको करना है। उसको रिजल्ट से रिलेट करोगे तब तक आपको निराशा ही मिलेगा। तो प्लीज़ रिजल्ट से उसको कभी रिलेट मत करना, क्योंकि रिजल्ट, अगर आपने रिजल्ट से रिलेट करना छोड़ दिया तो आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा और इतना ज़्यादा ऊपर होगा कि जितना आप लोगों ने सोचा भी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।